अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक पार्ट वन फिजिक्स चैप्टर नंबर वन का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह समझेंगे कि फिजिक्स क्या चीज़ है, क्योंकि मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने अभी ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, नाइन्थ में ये पहली बार फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या चीज़ है, ये कहाँ से क्या चीज़ है, कौन है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमने साइंस के सब्जेक्ट को चूज़ किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये सभी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या चीज़ है, ये हम पढ़ रहे हैं साइंस का सब्जेक्ट, तो इससे पहले हमने जान लेना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंस, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। ऐसा इलम जो तजर्बात और मुशाहदात की बिना पर हासिल किया जाए उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे तजर्बात करते हैं, उस पर हमने मुशाहदे भी करते हैं, मुशाहदे मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ रिजल्ट हासिल करते हैं, तो ये जो इलम हासिल करते हैं हम, इस चीज़ को हम कह देते हैं साइंस। ठीक है, ये साइंस का कंसेप्ट हो गया कि जो हम मुशाहदात, तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की बिना पर हम जो इलम हासिल करते हैं उसे हम साइंस कह देते हैं। ठीक है, अब साइंस बहुत बड़ा इलम है, इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, उन टाइप्स में से एक टाइप फिजिक्स है। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या चीज़, ये किस चीज़ का इलम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस या देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, साइंस की ऐसी ब्रांच जो एनर्जी, मादा यानी मैटर और एंड देयर इंट्रैक्शंस और उनके आपस में ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स जिसे कह सकते हैं, इस चीज़ को जो हम डिस्कस करते हैं इसे कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात क्या की, दैट डील्स विद द मैटर। मैटर क्या चीज़ है, मैटर के बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, अब केमिस्ट्री की जो क्लास थी इससे पहले, मैंने उसमें भी मैटर के बारे में बताया था, तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, एनी थिंग डैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका एक अपना मास है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं मैटर। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी कि मैं इस जगह पर खड़ा लेक्चर बना रहा हूँ, तो मैंने इस जगह को घेरा हुआ है, मेरा अपना एक मास है, तो मैं भी एक मैटर हूँ। ठीक है, दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हम ये सब की सब मैटर है। ठीक है, इन ये जगह भी घेरती हैं और ये चीज़ें अपना मास भी रखती हैं, तो ये हो गई मैटर। ठीक है, साइंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और उसके बाद मैटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिजिक्स की डेफिनेशन में सेकेंड पॉइंट जो था वो थी, दैट डील्स विद एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी व्हाट इज़ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को उर्दू में हम तवानाई कहते हैं, तवानाई। ठीक है, एनर्जी को अगर हम बयान करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, द अबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम किसी को कहते हैं कि इस बंदे में बड़ी एनर्जी है, तो इसका क्या मतलब है कि इस बंदे में काम करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, वो ईंटें उठाता है दिन रात, सुबह से शाम तक वो काम कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि इस मजदूर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इस मजदूर में बहुत ज़्यादा काम करने की काबिलियत है, तो उस चीज़ को हम एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, तवानाई। और तीसरी बात जो की कही थी वो थी, एंड देयर इंट्रैक्शंस या देयर रिलेशनशिप्स कह सकते हैं, और उनके आपस में ताल्लुकात, उनके आपस में, उनसे क्या मुराद है, अभी जो हमने पहली बात की, मैटर एनर्जी, दैट डील्स विद मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, एनर्जी का मास के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, अगर मास ये हो तो एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा, अगर एनर्जी ये हो जाए तो मास में क्या फ़र्क आ जाएगा, तो ये आपस में इंट्रैक्शंस हो गए, आपस में इनके रबते, आपस में वास्ते, रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस इज कॉल्ड फिजिक्स।
अब साइंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और उसके बाद मैंने मैटर का भी बता दिया, एनर्जी का भी बता दिया, और ओवरऑल फिजिक्स की डेफिनेशन भी आपने समझ ली। ठीक है, अब फिजिक्स की फर्दर आगे 9 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ 9th। ठीक है, अब फिजिक्स की बारी बारी हम जितनी भी 9 टाइप्स हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली जो ब्रांच आ रही है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स। What is mechanics? अब इसके बारे में जान लेते हैं। It is the study of motion of objects, their causes and their effect. Physics की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चीज़ों की हरकत को डिस्कशन करते हैं, हरकत के बारे में डिस्कशन करते हैं, और उसके causes, उसकी वजूहात के चीज़ ने हरकत क्यों की, और उसके असरात effects के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैकेनिक्स की बात हुई, अभी मैंने बात की चीज़ों की हरकत के बारे में। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, ये ज़मीन घूम क्यों रही है? ठीक है, ज़मीन हमें पता है कि ये ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, तो इसकी वजह क्या है? ये घूम तो रही है लेकिन इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी घूम रही है तो इसके असरात क्या आ रहे हैं, इसके माहौल पर, हमारे ऊपर इसके क्या असरात आ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ गया मैकेनिक्स में, ये हुई पहली ब्रांच। अब दूसरी ब्रांच के बारे में बात कर लें कि दूसरी ब्रांच क्या है फिजिक्स की। तो फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है हीट। हीट किसे कहते हैं? गर्मी। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के, हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और उसके अफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आ जाती है हीट। फिजिक्स की ये भी एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाख है। ठीक है, हम गर्मी के बारे में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर हम चूल्हा चलाते हैं, ठीक है, ऊपर बर्तन रखते हैं, तो जो आग लगी हुई है वो बर्तन में क्या पैदा कर रही है? हीट पैदा कर रही है। ठीक है, उस हीट, अच्छा तो हीट पैदा तो कर रही है तो उससे खाना कैसे गर्म हो रहा है? सेंटर में तो बर्तन है तो हीट खाने तक पहुँची कैसे, खाना पका कैसे? ठीक है, वो हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई, ये चीज़ हमने पढ़ी, और उसके बाद उसके अफेक्ट, तो हीट ट्रांसफ़र हुई लेकिन हीट के असरात क्या हैं चीज़ों पर? ठीक है, मिसाल के तौर पर हीट चीज़ों को जला देती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है हीट में। तो ये थी सेकंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। अब तीसरी ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं कि फिज़िक्स की तीसरी ब्रांच क्या है, तो वो है लाइट। ठीक है, इसे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। मिसाल के तौर पर सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है, वहाँ से रोशनी हमारी ज़मीन तक कैसे आ रही है, वो चीज़ कैसे ट्रैवल कर रही है, वो इतनी जल्दी सुबह के वक्त कैसे हो जाती है और उसके बाद रात कैसे होती है, रोशनी ख़त्म कैसे हो जाती है, तो लाइट के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि लाइट क्यों ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है। और उसके बाद मैंने बात की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, चीज़ों को जूम करके देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो छोटी चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखते हैं, और इसके अलावा टेलीस्कोप, चांद को देखते हैं, बहुत सारे जो इजादात हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिन्हें हम रोशनी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ भी हम लाइट, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम डिस्कस करते हैं डीपली। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी ब्रांच। इसके बाद चौथी जो ब्रांच आती है वो है साउंड। अब हम साउंड को क्या है, उर्दू में क्या कहते हैं? आवाज़। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, थ्रू स्पीकर आ रही है लेकिन आप तक आ रही है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि आवाज़ पैदा कैसे होती है, ये आवाज़ मेरे से आपके कान तक कैसे पहुंची, इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, आवाज़ की प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, आवाज़ एक साउंड वेव, आवाज़ साउंड वेव्स में सफ़र करती है, तो वो वेव्स को हम स्टडी करते हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल कैसे कर रही हैं, साउंड वेव्स कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, हमें दूसरे की बात कैसे समझ आती है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं साउंड वाले टॉपिक में। ठीक है, अब इसके बाद जो पांचवी ब्रांच आती है फिजिक्स की वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब पहली बात क्या कही, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसी ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ चार्जेस को रेस्ट पर, मतलब चार्ज एक रेस्ट पे है उसको हम डिस्कस करते हैं,
चार्ज हरकत कर रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और मैग्नेटिज्म में क्या आ जाता है, मैग्नेटिज्म मैग्नेट याद आता है इससे, मकनातीस हम मकनातीसी कुवतों के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, इनके बारे में क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती हैं, तो ये चीज़ हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसके बाद जो छठी ब्रांच आती है फिजिक्स की वो है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या वर्ड कहा, एटॉमिक, कहाँ से, एटम, एटम एटॉमिक। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज़ से बना है, इसके सेंटर में क्या है, ये किस तरह से है, ये डिज़ाइन किस तरह से, व्हाट इज़ एटम, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये दिखने में कैसा है, इसका रंग क्या है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, अब इसके बाद जो सातवीं ब्रांच आती है फिजिक्स की वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखिए मैंने वर्ड क्या कहा, न्यूक्लियर, क्या याद आता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ, एटम, एटम का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो यहीं से बात आ जाती है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम की जो दरमियानी चीज़ है, दरमियानी एटम का जो सेंटर है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके सेंटर में जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से उसका सेंटर बना हुआ है वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे उनका सेंटर बना हुआ है, तो इसमें हम एटम के सेंटर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं डीपली। तो ये हो गई न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसके बाद जो आठवीं ब्रांच आती है फिजिक्स की वो है प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, हमने अभी तक इससे पहले जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी कि मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, तो वो था सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, जो प्लाज्मा है वो मैटर की चौथी स्टेट है, तो ये कौन सी, ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इसे कहा जाता है, मैटर की जो चौथी शक्ल है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज़ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस चीज़ को हम प्लाज्मा फिजिक्स में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके आखिर पर जो लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसे हम कहते हैं वो है जियो फिजिक्स। अब मैंने क्या कहा, जियो फिजिक्स, जियो, जियो से हमें याद आना चाहिए, हम क्या पढ़ते होते थे, जग्राफिया, तो वो क्या चीज़ थी, जियो मतलब होता है ज़मीन, फिजिक्स, ज़मीन की फिजिक्स, ज़मीन को फिजिक्स से रिलेट करके हम कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में मुतालिया करते हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन में कितनी तहें हैं, ज़मीन के सेंटर में क्या है, ज़मीन कैसे मूव करती है, ज़मीन के सेंटर में क्या है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जियोफिजिक्स में, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को डिस्कस करने के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं जियोफिजिक्स में। अब सबसे पहले क्या पढ़ा, साइंस के बारे में, उसकी फर्दर टाइप्स बहुत सारी थी, उसमें से हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स को अच्छे से डिस्कस किया, और उसके बाद फिजिक्स की फर्दर नौ टाइप्स थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके अगले लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी इस टॉपिक के मतलब सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाइन्थ के केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी बनाए जा रहे हैं और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।